अब हम जैसे भी 3DX सर्विसिंग करेंगे, सर्विसिंग करने से पहले 5 मिनट स्टार्ट कर लेना चाहिए मशीन, ताकि इंजन ऑयल ना जमे। इंजन ऑयल को थोड़ा गर्म करके वो चेंज करना है, ताकि वो अंदर का कसर सब निकल जाए। तो हम लोग सर्विसिंग करते हैं। इंजन ऑयल, इंजन ऑयल फिल्टर, ये डीजल पायलट फिल्टर, ये भी डीजल, डीजल दोनों डीजल का है। इसका दाम ज़्यादा है, इसका कम है। इंजन ऑयल फिल्टर कितना घंटा में ये करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है? 500 घंटा। और डीजल वो भी 500 में करते हैं। अच्छा, ये 1000 में भी कर सकता है। इसको 500 में वॉश करके फिर लगा सकता है। इसका दाम रेट ज़्यादा है, लेकिन मैं बोला था नहीं लाने का, फिर भी दे दिया। कुछ बोल, ये हो गया इंजन ऑयल फिल्टर। हम लोग का अभी चेंज किया, 500 घंटा में चेंज करना पड़ता है। इंजन ऑयल कैप है, इधर से इंजन ऑयल डालना पड़ता है। एक एसीएल में हो जाए, आ जाएगा आधा घंटा में। इंजन ऑयल कितना घंटा में चेंज करना पड़ता है? 500 घंटा में इंजन ऑयल चेंज करना पड़ता है। अच्छा, ये भी डीजल फिल्टर है, ये पाइप बहुत कॉस्टली पाइप है, ये अगर टूट गया ना बहुत दाम लगता है लेने के लिए। डीजल फिल्टर है ये। एक कंपनी में लेने जाओ तो 3000 रुपये दाम है इसका। अबे नया डीजल फिल्टर लगेगा। खोलने का सबसे आसान तरीका, चढ़ाव कर लो बहुत साफ हो गया। दोनों फिल्टर फुल हो गया, अभी डीजल फिल्टर का सर्विसिंग हो गया। अभी डीजल फिल्टर का पूरा काम हो गया, दोनों चेंज हो गया। कचड़ा है यार, एक इस तरह का लेंकी लेके इसको अंदर डाल के ऐसे से करने से कचड़ा सब निकल गया, पूरा सफा हो गया, अभी पूरा क्लीन हो गया। 250 घंटा में सर्विसिंग करना पड़ता है, और क्लीन एरिया में चलेगा तो 500 घंटा में 500 घंटा पड़ता है। बेयरिंग देखो उल्टा लगा दिया था,
थोड़ा सा नया ऑयल डालने से क्या होता है, वो पुराना ऑयल जितना वो निकल हाँ निकल जाता है। देखो नया ऑयल आ गया पुराना। ये हो गया इनर फिल्टर। हाइड्रोलिक कितना घंटा में चेंज करना पड़ता है? 2000 घंटा में। 2000 घंटा में हाइड्रोलिक हाइड्रोलिक फिल्टर हाइड्रोलिक फिल्टर सब 2000 में चेंज होता है। 2000 में चेंज होता है। अच्छा, तो हाइड्रोलिक जब चेंज करेगा तभी चेंज होना। ये देखो ये जो इसका अंदर छेदा है ये जाम नहीं होना चाहिए। जब भी अगर जाम होगा ना तो वो ईयर नहीं पकड़ता। ईयर नहीं पकड़ने से जब भी मशीन चलाएगा तो उससे आवाज़ आने लगेगा, लीवर से आवाज़ आता है साई साई करके, तो समझ जाओ कि इस फिल्टर का वो जाम हो गया। ये हाइड्रोलिक चेंज किया है हमारा, 500 घंटा ही हुआ है इसलिए केवल इंजन ऑयल चेंज किया है। दो हमारा हाइड्रोलिक चेंज हुआ है 2000 घंटा में, अभी मात्र 500 घंटा हमारा मशीन चला है इसलिए इंजन ऑयल और इंजन ऑयल फिल्टर डीजल फिल्टर सिर्फ चेंज किया और ईयर फिल्टर। भाई एक्सेल ऑयल कभी चेंज करना है? वो भी 2000 घंटा में चेंज होता है। 2000 घंटा में चेंज होता है एक्सेल ऑयल भी 2000 घंटा में चेंज होता है और एक्सेल ऑयल 20 लीटर लगता है।